वेलकम टू स्टूडेंट, दिस इज अनुज मलिक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमृता प्रीतम की ऑटोबायोग्राफी है रसीदी टिकट द रिवेन्यू स्टैम्प। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेजफुल भी है, काफ़ी इंस्पिरेशनल भी है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको एक विमेन की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, एक विमेन पोएट या राइटर की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, और एक वुमेन अपने ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से नए सिनेरियो में, नए भारत में या नई दुनिया में किस प्रकार से एंटर कर सकती हैं, किस प्रकार से वो रेबल बनती हैं, किस प्रकार से उसके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उनको वो टेक ओवर करती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रसीदी टिकट जो कि बायोग्राफी है अमृता प्रीतम, एक पंजाबी इंडियन और इंग्लिश लैंग्वेज की जो एक पोइट रही है, राइटर रही हैं, उनके बारे में। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, द ऑटोबायोग्राफी रिफ्लेक्ट्स ऑन राइटर डीप इम्पल्स फॉर द इनवर्ड डायमेंशन ऑफ सेल्फ। इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो हमारी पोएट या राइटर है अमृता प्रीतम, डीप इम्पल्स जो उसके अंदर गहरी इमोशंस हैं उनको आप जान पाते हैं, और डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एक व्यक्ति के अंदर, मतलब अमृता प्रीतम के अंदर कौन कौन से डायमेंशंस हैं, किस किस डायरेक्शन में उनके थॉट आते हैं, किस किस डायरेक्शन में उनके इमोशंस उनके अंदर पैदा होते हैं, यहाँ पर आप उनको देख पाते हैं कि वो इनर आंतरिक रूप से जो उनकी मनोसंरचना है, उनकी जो साइकी है, जो माइंड है, वो किस प्रकार का है। स्प्रिंगिंग फ्रॉम द कंपल्जन टू मेडिटेट एंड इंट्रोस्पेक्ट, आप यहाँ पर ये भी जानते हैं कि जो अमृता प्रीतम है वो एक ऐसी पोएट या राइटर है जो मेडिटेट एंड इंट्रोस्पेक्ट। मेडिटेट का मतलब होता है एक बहुत ही सिंसियर, लॉजिकल, गंभीर टाइप, और इंट्रोस्पेक्ट जो अंदर खूब मंथन करती है, खूब चिंतन करती है, और तब जा कर के जो उसके अंदर से ओरिजिनली निकल करके आता है उसी को अपने वो काम में रिफ्लेक्ट करती है। द रिवेन्यू स्टैम्प इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेम्पलेटिव एंड इंडलजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ हर लाइफ। इसके अंदर, द रिवेन्यू स्टैम्प के अंदर उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही लॉजिकल तरीके से, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डेपिक्टिंग द एक्विजिशन ऑफ हर आउटलुक, और जिस प्रकार से वो बाहर दिखाई पड़ती हैं उसको भी प्रेजेंट किया है, क्योंकि वो बाहर जैसी भी हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो छिपा हुआ है उसी की रिफ्लेक्शन है, वो डुप्लीकेट नहीं है। इट इज़ द इल्यूमिनेशन ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आप यहाँ से ये भी जानते हैं कि वो अपने वर्क के थ्रू, अपने सेल्फ एनालिसिस के थ्रू, अपने इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, मतलब वो खुद के ऊपर चिंतन करके, मंथन करके, मेडिटेट करके, कहीं ना कहीं अपने काम के माध्यम से या अपने मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को खोज रही है, अपने आप को तलाश कर रही है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। By the writer of which she was not fully aware before she began to write. और गजब की बात यह है अमृता प्रीतम के बारे में कि जब वो लिखना शुरू करती हैं उसको खुद नहीं पता होता कि एक्चुअली वो क्या लिखना चाहती हैं, लेकिन जैसे वो लिखना शुरू करती है तो उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके आती हैं जिसको खुद ही नहीं पता था कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उसके राइटिंग उसी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। There were vivid pictures of her memories related to meaningfully to the outer events and the even inner experiences in this autobiography. इस autobiography के अंदर जो बाहर घटनाएँ घटती हैं और जो उसके जीवन में घटनाएँ घटती हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। ये बुक टोटल 6 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें आप पहला हिस्सा देखते हैं द रिसरेक्टिंग टाइम, सेकेंड मीटिंग विद सेंचुरीज, ऑर्डियल बाय फायर, इन साइलेंस पोजिशन, पैशन, स्मार्ट फोनिक्स, डायनेस्टी, ओन वन पाम हैना, ऑन द अदर ब्लिस्टर्स। तो कुल 6 पार्ट हैं और इन 6 के 6 पार्ट में उन्होंने अपने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस को समझाया है। लाइक अदर ऑटोबायोग्राफीज, द ऑटोबायोग्राफी इज यूजली एक्सपेक्टेड टू बिगिन विद द डिटेल्स ऑफ हर बर्थ, नेटिव प्लेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्डहुड। जैसे दूसरी बायोग्राफीज होती है उसके अंदर
जो राइटर होता है या ऑटोबायोग्राफर होता है वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, मेरे माता पिता क्या करते थे, कहाँ रहते थे, मेरा जन्म कब हुआ था, तो ये बेसिक सी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। अमृता प्रीतम टेक्स बैक इम्प्रिंट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो यहाँ पर आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी देखने को मिलता है कि बिल्कुल अपने बचपन में चली जाती है। शुरुआत में इट बिगेन इन यूजुअल वे स्टेटिंग द टाइम क्लाइमेट ऑफ सोसाइटी एज बैकड्रॉप टू हर बर्थ एंड चाइल्डहुड, ये अपने उस माहौल के बारे में बताती है जब ये पैदा हुई थी, भारत कैसा था, इनके चारों तरफ की जो सिचुएशंस थी वो कैसी थी और इनका जन्म किस माहौल में हुआ। अमृता प्रीतम ट्रेसेस बैक द सोर्स ऑफ हर मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज ट्रेड्स टेंडेंसीज ऑफ हर चाइल्डहुड, वो ये भी बताती है कि बचपन में उनकी मेंटलिटी किस प्रकार की थी और उनकी मेंटलिटी किस प्रकार से डेवलप हो रही थी, क्योंकि जैसा माहौल होगा वैसी मेंटलिटी बनती चली जाएगी। सी डज नॉट ओपन हर लाइफ स्टोरी इन पास्ट टेंस, वो अपनी कहानी को पास्ट टेंस में नहीं बता रही है, बट बिगिनिंग ऑफ हर सेल्फ नैरेटिव विद ड्रामेटिकली एक्सक्लेम्ड इंटरोगेटिव एक्चुअली क्वेश्चन द पास्चर्स ऑफ पास्ट, तो यहाँ पर वो अपनी कहानी को क्वेश्चंस के माध्यम से बता रही है। मतलब उनका मेथड जो है वो नैरेटिव है, नैरेटिव का मतलब होता है जैसे कोई कहानी सुनाता है ना, वो अपने जीवन की लाइफ मतलब अपने जीवन की जो बायोग्राफी है, अपना जीवन जो है वो पास्ट टेंस में ना बता करके एक कहानी के तरीके से बता रही है, जैसे कि एक राजा था, ये था, वो था, इस प्रकार से ना बता करके एक घटनाओं का जो इवेंट्स है उसके बारे में बता रही है। सी हैज़ एंटाइटल्ड द फर्स्ट चैप्टर रिसरेक्टिंग टाइम इट स्टार्ट्स विद, जैसे यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। इट इज़ डूम्स डे, डूम्स डे आप समझते हो क्या होता है? डूम्स डे का मतलब होता है तबाही का दिन, बर्बादी का दिन, डूम्स डे मतलब बर्बादी का दिन। मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ इन द वॉर्म ऑफ टाइम, समय के हाथों में मेरा जीवन शुरू हुआ, लिव्ड ए वाइल कुछ समय के लिए रुका, एंड आफ्टर द स्पान ऑफ टाइम समय चला सेमिंगली, एंड टॉम्ब आर टूडे अलाइव अगेन स्टॉक पास्ट मी, मतलब पूरा कुछ इस प्रकार से बता रही है कि मैं समय के हाथों में हूँ और वो दिन जो बर्बादी का दिन था मतलब फाइनल डे था, वहाँ से एक दिन फिर जीवन शुरू होता है, मैं समय की गोद में आ जाती हूँ और पूरी जीवन जो है वो जो लाइफ की जर्नी है वो आना शुरू हो जाती है। सी कन्फेसेस हर फर्स्ट रिवोल्ट टू हर फादर्स क्रीड, वो इस बात को भी स्वीकार करती है कि उसने सबसे पहले विरोध अपने जीवन में अपने पिता का ही किया था। वैन हर फेथ इन गॉड वाज शेकन, क्योंकि उसका परमात्मा में भगवान में विश्वास नहीं बचा था, डगमगा गया था। रीजन क्या था? सी हैड ऑफर्ड ए प्रेयर टू गॉड, क्योंकि उसने परमात्मा से भगवान से एक प्रेयर की थी ड्यूरिंग हर मदर सिकनेस, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, फॉर हर लॉन्गर लाइफ, ताकि वो उसकी माता ठीक हो जाए और वो एक मतलब नॉर्मल लाइफ जिए और जितना एक एवरेज लाइफ होती है उतना तक तो जिए। बट मदर पास्ट अवे, लेकिन उनकी माता जी गुजर गई थी बचपन में ही, इस वजह से वो इस बात से नाराज़ थी कि जिस भगवान ने मेरी एक छोटी सी प्रेयर भी एक्सेप्ट नहीं की और जो कि मीनिंगफुल थी, एक बच्चे को माँ चाहिए और माँ के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है और उस रिक्वेस्ट को यदि परमात्मा रिजेक्ट कर रहा है तो फिर परमात्मा को मानने का कोई लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि एक बच्चा एक जायज़ मांग कर रहा है, एक लॉजिकल डिमांड है उसकी एंड मीनिंगफुल डिमांड है, उसको भी परमात्मा फुलफिल नहीं कर रहा है तो फिर परमात्मा का मतलब क्या है ना, तो वो क्वेश्चन करना शुरू कर रही थी कि मैं इस प्रकार के परमात्मा में कोई बिलीव नहीं करती जो एक छोटी सी बात को नहीं मान सकता और मेरी समस्या को तक समझ नहीं सकता है। सी रिफ्यूज टू फॉलो द रूटीन ऑफ प्रेयर आर्ग्यूड विद हर फादर फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने ठीक है अब घर में रहना है तो प्रेशर में कुछ चीज़ों को हमको ज़बरदस्ती फॉलो करना होता है, उसने वही सारा काम किया, करती थी प्रेयर फॉर्मेलिटी के लिए। आई ब्रस्ट आउट इन रेड हॉट रेज, मुझे गुस्सा आया, गॉड हीड्स नो वन, भगवान किसी पर ध्यान नहीं देता, नॉट इवन चिल्ड्रन, बच्चों तक पे भी ध्यान नहीं देता, देयर इज नो गॉड, और उसने कंक्लूजन ये निकाला कि यदि एक
परमात्मा एक बच्चे तक, एक इनोसेंट, एक बेबस बच्चे से ज्यादा बेबस क्या होता होगा, सोचो आप, एक बेबस बच्चे की बात तक नहीं सुन सकता तो फिर वो क्या सुनता होगा, क्या समझता होगा। तो आप उनकी अप्रोच को समझ लीजिए। इट वॉज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिल्यूजनमेंट। डिल्यूजनमेंट का मतलब होता है भ्रम टूट जाना। तो अमृता प्रीतम का पहली बार परमात्मा को लेकर के भ्रम टूट गया। एंड अमृता प्रीतम गेव अप ऑल हर प्रैक्टिस ऑफ रूटीन प्रेयर एंड मेडिटेशन। उन्होंने सब धंधा बंद कर दिया, कोई प्रेयर नहीं, कुछ नहीं, है ना, सिंपल लाइफ जीना है, वन टू वन जीना है। दिस प्रूव्स दैट रिवेलियन इज रूटेड इन द सॉइल ऑफ डिसकंटेंट, डिसइल्यूजनमेंट एंड डिसेबलिंग सर्कमस्टेंसेस। अब आप समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही उसका माइंड एक रिबेलियन था, क्रांतिकारी था, विद्रोही था। वो किसी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी जो मीनिंगफुल नहीं थी। यदि कोई चीज़ होगी तो वो होनी चाहिए, और यदि कोई चीज़ सिर्फ हमारी एजम्पशन है, हमारी सोच है, आइडिया है, और उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, कोई भी इफेक्ट नहीं आता, तो उस आइडिया का कोई मतलब नहीं है। बीइंग अ वेरी इमोशनल गर्ल गर्ल वो एक इमोशनल लड़की थी। सी फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बी अलोन एंड हैप्पी। उसके लिए बहुत मुश्किल था अकेले रहना और फिर खुश भी रहना। सी इंक्लाइन टू इमेजिन अ कंपेनियन हु वुड प्रोटेक्ट हर एवरीवेयर। इसलिए उसके जीवन की शुरुआत से ही एक इच्छा बन गई कि कोई उसके जीवन में ऐसा हो जो उसके पास हमेशा रह सकता हो और उसको प्रोटेक्ट कर सकता हो, क्योंकि परमात्मा तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकता, सीधी सी बात है। हर एनालिसिस इज ऑटोमेटिकली प्रोफाउंड टू एक्सप्लिकेट द राइज ऑफ आर्टिस्ट इन हर। इसलिए उसके अंदर एक आर्टिस्ट का जन्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर बाहर तो ऐसा कोई परमानेंट नहीं होगा जो उसका साथ 24 घंटे रह सकता है। इसलिए उसने अपना साथी अपने अंदर ही ढूंढ लिया, जो एक कलाकार था, एक आर्टिस्ट था, है ना। नोट दैट हर फादर ऑब्जेक्टेड टू हर एक्ट ऑफ राइटिंग पोएम्स, बट ही एक्सपेक्टेड हर टू कंपोज आइदर रिलीजियन पोएम्स और कन्वेंशनल वन, बट सी हैड नो करेज इनिशियली टू ब्रेक हिज एक्सपेक्टेशंस। शुरुआत में उसके पिताजी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो मानने वाली थी भी नहीं। हालांकि उनकी ये एक्सपेक्टेशन रही कि वो धार्मिक मुद्दों पर, धार्मिक चीज़ों पर, या जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं उनके ऊपर पोयम लिखें, थीम वही रहे हमारी, है ना। लेकिन ये लड़की मानने वाली थी नहीं, क्योंकि इसका दिमाग पहले से ही टूट चुका था उन सब चीज़ों से। तो ये जो लिखती थी वो ओरिजिनल लिखती थी, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होती थी कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसके जीवन में जो घट रहा है उसी को टारगेट बना करके लिखती थी। इसलिए इसके पिताजी इसको ज़्यादा बोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि ये सुनती नहीं थी, मानती नहीं थी। टू मेक हर फादर हैप्पी, अपने पिता को फिर भी खुश करने के लिए, सी रोट सम ऑर्थोडॉक्स पोएम्स। कुछ पोएम्स को लिखा था। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टरपंथी, जो ट्रेडिशन से, परंपराओं से चलती आती हैं। कुछ लिखी थी एंड प्रेजेंटेड हर सेल्फ लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, कि चलो पिताजी हैं उनकी खुशी के लिए दो चार लिख देती हूँ, बस इतना ही था। हर चाइल्डहुड एंड यूथ पास्ट, उनका जो जी बचपन था और उनकी जो जवानी थी कुछ इस प्रकार से गुजरी। एनी ग्रेट इवेंट, उनके बचपन में और जवानी में कोई बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं घटी, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो कह सके कि यस लाइफ जीने में मज़ा आ रहा है। सी पुट अप विद द लॉस ऑफ हर मदर, बचपन में उसकी माता जी गुजर गई, होम सी ऑल्सो लॉस्ट फेथ इन गॉड, बाद में उनका परमात्मा से भी विश्वास उठ गया। ए वुमेन्स लाइफ इज रिलेटेड टू लव इन वेरियस फॉर्म्स। एक औरत का जीवन बेसिकली प्रेम से संबंधित होता है। एक औरत को सिंबल ऑफ लव भी कहा जा सकता है, और ये प्रेम अलग अलग रूपों में झलक सकता है। इस प्रेम को हम ये नहीं कह सकते कि इसी तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। बहुत तरीके होते हैं प्रेम को एक्सप्रेस करने की, तो आप यहाँ से इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। द एफिनिटी बिटवीन द टू इज सो क्लोज दैट बोथ सेम टू कॉन्स्टिट्यूट द वेरी कोर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये बेसिकली ये समझाना चाहते हैं कि औरत और प्रेम आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड वुमेन्स एग्जिस्टेंस आर सो क्लोजली इंटर रिलेटेड दैट लव ऑक्यूपाइज अ वेरी वैल्यूएबल स्पेस इन वुमेन लाइफ।
एक औरत के जीवन में प्रेम की बहुत बड़ी जगह होती है। एज ए डिटरमाइनर ऑफ लाइफ सी ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन रेवेन्यू स्टैम्प। द कम्प्लीट टेक्सचर ऑफ हर बुक इज थ्रेडेड बाई हर पर्सनल फीलिंग्स। यदि हम रेवेन्यू स्टैम्प की बात करते हैं तो इसके अंदर एक औरत के अंदर जो इमोशंस होते हैं उन इमोशंस को अमृता प्रीतम ने ओरिजिनली शेयर किया है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, कुछ ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। जो एक औरत एक्चुअल में फील करती है वो फीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इट रिवील्स हर फेमिनाइन एगोनी। एक जो औरत की एक दिक्कत होती है उसको यहाँ पे व्यक्त किया गया है। एंड डेपिक्ट्स हर एगोनाइज्ड एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स। और जो दिक्कतों से उनको एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, जो उन दिक्कतों के टाइम में वे फीलिंग्स आती है फ्रस्ट्रेशन की या जो भी निगेटिव इमोशंस आते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अमृता प्रीतम सेल्फ रिफ्लेक्शंस इन दिस ऑटोबायोग्राफी आर द पेजेस एप्रोप्रिएटली एनालाइजिंग हाउ ए सेंसिटिव वुमैन फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट टू राइट अबाउट हर लव लाइफ एंड लव। एक औरत जब अपने प्रेम के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपनी समझ के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में जब वो बात करती है, जब वो लिखती है, जब वो बोलती है, जब वो चीज़ों को शेयर करना शुरू करती है तो सोसाइटी उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी मानती कि ये तो वहीं बस है ना खाम खाई, ये ऐसी लड़की है, एक ऐसी औरत है जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बिगड़ गई है ये। तो सोसाइटी उसको उसकी फ्रीडम को, उसके लाइफ स्टाइल को, उसकी ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती। और इस एक्सेप्ट ना करने की वजह से उसके जीवन में सोसाइटी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब जब सोसाइटी में रहते हुए उसको सोसाइटी से ही लड़ना पड़े तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ा जंग है ये। उस जंग में जो एक फीमेल फील करती है वो यहाँ पे बताया गया है। अमृता प्रीतम एज ए वुमैन फेल्ट एवरीथिंग कंक्रीटली विद स्ट्रेंज सेंस ऑफ बीइंग इन टच विद लाइफ। और गजब की बात ये है कि अमृता प्रीतम कुछ भी हो, टच ऑफ लाइफ, अपने जीवन का जो एहसास है, फीलिंग लाइफ इन हर सेल्फ, अपने अंदर जीवन को अनुभव करना, उसको कभी भी नहीं छोड़ती है। एब्स्ट्रैक्शन हैज़ नो मीनिंग फॉर मी। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो अननोन है, अनक्लियर है। तो जो चीज़ें क्लियर नहीं है उनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं समझ ही नहीं सकती तो उसके बारे में दिमाग को लोड काहे को डालना। सीधी सी बात है, जो चीज़ समझ में आ सकती है मैं समझ सकती हूँ इन द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, उसका मुझे मतलब है क्योंकि उसको मुझे मतलब समझ में आता है। लेकिन जो चीज़ें मैं समझ ही नहीं सकती तो मेरे लिए उनका कोई मतलब है भी नहीं। ईच एंटिटी मस्ट टेक ऑन सम सॉर्ट ऑफ शेप दैट आई टच, दैट आई कैन टच, दैट इन फैक्ट कैन थ्रिल मी विद अ टच। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जिसको सेफ हो, जिसकी अपना एक आइडेंटिटी हो, एक पहचान हो, ताकि मैं उसको समझ सकूं, उसको टच कर सकूं। टच करने का मतलब होता है कहीं से भी हो मैं उसको ग्रेस्प कर सकती हूं, कहीं से तो मेरी पकड़ में आ जाए। लेकिन यदि कोई चीज़ पकड़ में आ ही नहीं रही है तो फिर ये मीनिंगलेस है, सीधी सी बात है। सी हैज़ क्रिएटेड द इमेज ऑफ एन आइडियल लवर इन हर मेंटल विजन्स इन हर गर्लहुड। जब वो अपने, आप बोल सकते हैं कि गर्लहुड का मतलब होता है एक जवानी और बाल्यकाल से की अवस्था, तो जब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी उस टाइम पर, उसके दिमाग में एक आइडियल लवर, आइडियल लवर का मतलब होता है देखो बीइंग ए बॉय, एक लड़का होने के नाते मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो कैसी होनी चाहिए, और एक लड़की होने के नाते भी कोई लड़की ये सोचती होगी कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, उसकी हैबिट कैसी होनी चाहिए, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए।
तो ये सबके दिमाग में आता है, यूथ के दिमाग में ये चीज़ें नॉर्मल है, तो उसके दिमाग में भी आता था। सी चेरिस्ट दिस इमेज विद अ रोमांटिक ट्विस्ट फॉर रियलाइजिंग इट इन अ लाइफ। तो इसके लिए गजब की बात ये थी कि वो सिर्फ उस आइडियल लवर को, उस रोमांटिक क्यूरोसिटी को वो सिर्फ दिमाग में नहीं रखना चाहती थी, उसको जीवन में जीना चाहती थी, है ना, कि जो मैंने सोचा है वो मैं जीवन में जीऊँ, तब तो इसका मतलब बैठता है। और जब मैं सोच सोच के बस दिमाग को ख़राब कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इट वॉज हर ड्रीमी इंस्टिंक्ट इन द बिगनिंग एंड अ फिलोसॉफिकल विजन लेटर सी रिकॉल्स। वो इसको कहती है कि शुरू में तो इसके ड्रीम्स थे कि ऐसा हो, बाद में इसकी फिलोसफी बन गई। अ डीप डार्क शैडो वॉक्ड अलोंग माई साइड, मेरी बराबर में एक बहुत काली सी परछाई चलती रहती है। द फेस ऑफ माई आइडियल लवर, मुझे लगता है कि वो जिसको मैं चाहती हूँ कि जिससे मैं प्रेम करूँ वो ऐसा होना चाहिए, रियल में तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि परछाई के रूप में मेरे साथ वो चल रहा है। एंड माइंड दैट इज इन ग्रोइंग वाइजर स्ट्रोंगर मोर मैच्योर। और गजब की बात यह है कि जब मैं अपने साथी के साथ होती हूँ, ऐसा साथी जिसको मैं चाहती हूँ कि वो कैसा साथी हो, तो मुझे लगता है कि उसके साथ मैं ज़्यादा समझदार बनती जा रही हूँ, ज़्यादा मजबूत बनती जा रही हूँ और ज़्यादा मैच्योर बनती जा रही हूँ। आप समझ रहे हो, ये रिश्ता एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता है। इस रिश्ते में ना शोषण है, ना बेइज्जती है, ना बाउंडेशन है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे साथ है, सहारा है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, कोलेबोरेशन है ना, यहाँ पर एक मीनिंगफुल पर्पस ऑफ रिलेशनशिप है ना। तो यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो फ्रूटफुल हो, जिसका कोई मतलब हो, जिससे लाइफ में प्रोग्रेस होती हो। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हमें दोस्ती हो गई, शादी विवाह हो गया, है ना, और फिर जीवन खत्म हो गया। नहीं, जीवन वहाँ से और फास्ट स्पीड से, क्योंकि पहले आप अकेले थे, अब आप दो हो गए, तो जीवन में पहले से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, घटित होनी चाहिए, निगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जब से हम साथ आए निगेटिव निगेटिव होना शुरू हो गया। नहीं, जब से हम साथ आए पहले से ज़्यादा पॉजिटिव 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 होना शुरू हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। द लेयर डीपेस्ट डाउन वॉज इंस्पायर्ड इन विच आई सॉ टू रिवील समथिंग ल्यूमिनस इन द क्वालिटी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्वालिटी ओरिएंटेड हैं और क्वालिटी मेंटेन भी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ जिसमें क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस चीज़ के चक्कर में ही ना पड़े, ये बहुत बढ़िया है। हर लॉन्ग चेरिश लव वॉज नॉट वाइस्ड अंटिल द लास्ट स्टेज ऑफ साहिर्स लाइफ। यहाँ पर एक कैरेक्टर और आता है, साहिर, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ साहिर लुधियानवी नाम का एक भारत की फिल्म इंडस्ट्री में भी और राइटर्स में भी एक पोएट है, राइटर है, और ये भी राइटर थे, तो इनके लाइफ में ये एक व्यक्ति आता है और इनको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल है जो वो सोचती है। इट इज़ एसेंशियल टू नोट हेयर दैट अमृता, डेस्पाइट ऑल हर रिबेलियस आइडियाज एंड बोल्ड एक्सप्रेशन, वॉज ए साई वुमैन। उसका जो बिहेवियर था सोसाइटी में वो बहुत ही बहादुरी भरा था और बहुत ही बोल्ड था, लेकिन यदि हम उसकी पर्सनल लाइफ की हम बात करते हैं, वो अपने आप में काफ़ी शर्मीली थी, है ना। मतलब सोसाइटी में उसका जो आउटलुक था वो बहुत ही बोल्ड था, एक्सप्रेसिव था, लेकिन अपने आप में वो काफ़ी शर्मीली थी। इन द रिवेन्यू स्टैम्प सी कन्फेसेस हाउ सी मॉडल्ड हर मेल प्रोटैगोनिस्ट आफ्टर साहिर एंड हर डीप लव फॉर हिम। और वो ये भी एक्सेप्ट करती है द रिवेन्यू स्टैम्प में कि साहिर के लिए उसका जो प्रेम है वो किस प्रकार से था। और सीधी सी बात है, कोई भी लड़की होती है तो आपने देखा होगा कि वो कभी भी अपनी तरफ से उस रिश्ते की शुरुआत नहीं करती, लड़का ही उस रिश्ते की शुरुआत करता है। और यदि कोई लड़की इस रिश्ते की शुरुआत खुद भी कर देती है तो वो बहुत ही अजीब सा माना जाता है ना। वो कैसा माना जाता है कि इस लड़की के अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है,
बेशरम है एकदम। और एक लड़की के अंदर शर्म होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात है नहीं, है ना। तो ये अच्छी बात है, ये एक औरत की एक क्वालिटी होती है कि यदि उसके अंदर जो काम पुरुष का है वो पुरुष को करना चाहिए, जो काम स्त्री का है उसको स्त्री को करना चाहिए। यदि पुरुष वाले काम स्त्री करेगी और स्त्री वाले काम पुरुष करेंगे तो समझ में नहीं आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल है। अमृता मेड फ्रेंड्स विद मुस्लिम पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाइक सज्जाद, इमरोज एंड साहिर। उसके कुछ मुस्लिम दोस्त भी थे जिसमें सज्जाद, इमरोज और साहिर, ये सारे के सारे पोएट थे और राइटर थे, आर्टिस्ट थे और मुस्लिम्स थे। सी लाइक सज्जाद हैदर, वो सज्जाद हैदर को पसंद करती थी। सी नेवर कंसील्ड हर लव फॉर साहिर, और साहिर से वो जो प्रेम या लगाव करती थी कभी भी उसने उसको अनावश्यक रूप से छिपाया नहीं है। इन हर रिएक्शन टू साहिर्स डेथ, जब साहिर की मृत्यु हो जाती है, सी रिकॉल्स द प्योरिटी सी चेरिश्ड इन हर इन दियर रिलेशनशिप। लेकिन जब साहिर की मृत्यु हो जाती है तो वो उस चीज़ को भी बताती है कि उनकी दोस्ती में, उनके रिश्तेदार रिश्ते में क्या खूबसूरती थी, क्या प्योरिटी थी, क्या एक मीनिंगफुलनेस थी। उन्होंने कहा, द वर्ड्स केयर बिटवीन आवर फ्रेंडशिप, नो वर्ड्स केयर बिटवीन आवर फ्रेंडशिप। हमारी फ्रेंडशिप को कोई भी वर्ड नहीं डिफाइन कर सकता। इट वॉज अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इन साइलेंस। हमारा रिश्ता एक मौन रिश्ता था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता था, चुपचाप वो हमारा रिश्ता चल रहा था हमारे साथ साथ। ये बहुत ही बेहतरीन फीलिंग मैं फील कर पा रहा हूँ, एक रिश्ता चुपचाप हमारे साथ चल रहा हो, वाओ वंडरफुल। द डिग्निटी ऑफ ए ब्लैंक पेपर इज इवन डियर टुडे। जैसे कि एक कागज़ है जिस पे अभी तक कुछ लिखा नहीं गया और वो कागज़ हमारे साथ चल रहा हो, और उस कागज़ पर बिना कुछ लिखे भी बहुत कुछ पढ़ा जा सकता हो। सो इट इज़ अ वेरी डीप, बहुत गहरा, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं। इस प्रकार का रिश्ता उनका रहा। द रोमांटिक लव ऑफ अमृता प्रीतम वॉज अ फोर्स सस्टेनिंग हर डिज़ायर फॉर लाइफ इन द फेस ऑफ हर डूम्ड फॉल। उनके जीवन में जो एक पहाड़ टूटा था, इस पहाड़ को उन्होंने झेला, और इस वजह से झेला क्योंकि उनके अंदर फोर्स सस्टेनिंग कुछ था जो उनको जिंदा रखता था, और वो जो रोमांटिक लव था, वो जो गुड फीलिंग्स थी, वो उसको जिंदा रहने के लिए मजबूर करते थे। देखिए, मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको बहुत खूबसूरती से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ ताकि आपके समझ में ढंग से आ जाए। रोमांटिक लव, आपने जॉन कीट्स की एक पोयम है कक्षा 12 में, थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें बताया गया है कि कोई भी अच्छी चीज़ आपके जीवन में जब आती है तो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ती, वो हमेशा आपको मोटिवेट करती रहती है, आपको जिंदा रहने के लिए मजबूर करती है कि नहीं, जिंदगी को यूं ही बर्बाद करने की या ख़त्म करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो पर्पसफुल है, मीनिंगफुल है, खूबसूरत है, और उन खूबसूरती को दोबारा से महसूस करने के लिए आपका जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी हैड एक्सेप्टेड द एगोनाइजिंग फैक्ट दैट हर ड्रीम ऑफ लव फॉर साहिर वुड नेवर कम ट्रू, एंड हर कंपेटिबिलिटी विद इमरोज एज एन आर्टिस्ट वुड नेवर सीज हर रेस्पेक्ट फॉर हिम। यहाँ पे हमने तीन लोगों की बात की थी, इसमें एक इमरोज नाम का व्यक्ति भी था, ये भी पोएट ही था, और वो एज एन आर्टिस्ट उससे भी बहुत लगाव करती थी, उसका रेस्पेक्ट करती थी। इन पैट्रियार्की वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट हर सेल्फ एज बींग फुलफिलिंग द रोल्स डिजाइन बाई पैट्रियार्की। एक पुरुष सत्तात्मक समाज में, पुरुष सत्तात्मक का मतलब होता है जहाँ पर औरत बराबर की ना होकर के साइड में खड़ी ना होकर के पीछे खड़ी होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी 50-50 पार्टनर नहीं है, मालिक हम हैं
और वो हमारी कस्टडी में रह रही है, मतलब उस वो एक कमजोर है, वो एक बोल सकते हैं कि इनेबल है, योग्य नहीं है, बराबरी का दर्जा लेने की उसमें हैसियत नहीं है। तो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के लक्षण हैं, जो औरत को अपने बराबर में खड़ा करने की हिम्मत ना रखता हो, उसको उतना ही रेस्पेक्ट ना दे सकता हो जितना कि अपने आप को दे रहा है, उसको उतनी ही अपॉर्चुनिटी ना दे पा रहा हो जितनी अपने आप को देना चाहता है, उतनी सपोर्ट ना कर पा रहा हो जितनी सपोर्ट किसी व्यक्ति को प्रोग्रेस करने के लिए, अपने लाइफ में अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए होनी चाहिए। यदि कुछ पक्षपात है, पुरुष मतलब कुछ ज़्यादा, स्त्री मतलब कुछ कम, यदि ये अप्रोच है, इसको आप पैट्रियार्किक सोसाइटी आप बोल सकते हैं, पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज आप बोल सकते हैं, तो ये चीज़ें अमृता प्रीतम ने भी नोटिस किया, कोई भी औरत महसूस करती है, भारत जैसे देश में तो ऐसा होता ही है। बट अमृता प्रीतम नरेट्स द पब्लिक साइड ऑफ हर लाइफ एज अ राइटर एंड पुट्स हर कैरियर इन द नेक्स्ट ऑफ हर रो एज बिलव्ड। बिलव्ड का मतलब होता है जिसको कोई चाहता हो, तो उसने अपना रोल जो था वो प्ले करके रखा, उसको जारी रखा कि किसी को चाहना एक अच्छी बात है, लेकिन कोई हमें चाहे ये और भी अच्छी बात है, और इस रोल को उन्होंने कंटिन्यू रखा। द रिवेन्यू स्टैम्प ऑफर्स हर चांस टू व्यू हर सेल्फ एज इंडिविजुअल इन द सराउंडिंग सोशल इथोस एंड एक्सप्लोर हर प्राइवेट लाइफ एज वुमेन, एट द सेम टाइम राइटर्स पोजिशन इज मल्टीफेस्ड इन ऑटोबायोग्राफी। सी एज एन ऑटोबायोग्राफर रिकॉग्नाइज द विजन ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव एज एस्थेटिक सोशल कल्चरल एंड रिलीजन। एक ऑटोबायोग्राफर होने के नाते और एक औरत जो एक इंडिविजुअल भी है, एक व्यक्ति भी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से वो अपने जीवन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करती हैं, उनको प्रेजेंट करती हैं, उनको शेयर करती हैं, और वो ऑल परस्पेक्टिव एज एस्थेटिक, उसके जीवन में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, चाहे वो एस्थेटिक से रिलेटेड हो, एस्थेटिक का मतलब होता है आर्ट, है ना, उससे संबंधित हो, सोसाइटी से संबंधित हो, कल्चर और रिलीजन से संबंधित हो, तो उसके जो अपनी पर्सनल गट्स या फीलिंग्स है, वो सारी चीज़ें ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से वो रिलीज करती रही और अपने राइटिंग के माध्यम से हमारे साथ शेयर करती रही। फॉर अमृता प्रीतम द एक्ट ऑफ राइटिंग ऑटोबायोग्राफी कैरीज अ डार्क बर्डन ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर सी हैज़ टू मेंटेन द एस्थेटिक इंटरेस्ट एंड द सब्जेक्टिव साइड्स ऑफ सेल्फ एज अ राइटर सी वॉज डिस्टर्ब टू ऑब्जर्व। यहाँ पे हमको समझना है दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, उसकी अपना एक जीवन है, और दूसरा वो एक राइटर है, उसका एक सोशल चेहरा भी है, तो उसको दोनों चीज़ों को मेंटेन करना था, अपनी लाइफ में वो निराश ना हो जाए, क्योंकि प्रोफेशन और पर्सनल, जब तक आपका प्रोफेशन आपके पर्सनल लाइफ को बूस्ट नहीं करता, रिचार्ज नहीं करता, तो हो सकता है आपका प्रोफेशन तो बढ़िया जा रहा हो लेकिन आपकी जीवन जो है वो घटिया जा रहा होता है, बहुत ही डाउन जा रहा होता है। तो यहाँ पे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आपका प्रोफेशन भी आगे बढ़े प्लस आपकी पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार की निगेटिविटी ना आए, इस दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अक्सर क्या होता है कि प्रोफेशन आगे चला जाता है, पर्सनल पीछे छूट जाता है। माइकल जैक्सन है, प्रोफेशन, सोसाइटी, नाम, फेम, इसके चक्कर में जीवन ख़त्म कर लिया उन्होंने अपना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं फेम के चक्कर में, नाम के चक्कर में अपने आप को ख़त्म कर डालते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सोसाइटी में प्रोग्रेस भी करते हैं प्लस अपने जीवन को बहुत ही बैलेंस, कूल, मस्त, एकदम बिंदास करके रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उनको भी मेंटेन करना था। सो सी ऑब्जर्व, उन्होंने महसूस किया द रिलीजियस राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन एंड आफ्टरवर्ड्स द पॉलिटिकल अपहीवल्स ड्यू टू इट।
अब जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान में 1947 के टाइम पर, ये उनकी आंखों के सामने हुआ था। उस टाइम पर काफ़ी बुरी स्थिति थी जिसका सामना उनको करना पड़ा था। सी एक्सप्रेसेस हर एंग्विस्ट इन हर ऑटोबायोग्राफी एज सी कैन नॉट इग्नोर दैट सोशो कल्चरल इथोस विच हैज बीन अ वेरी सोर्स ऑफ हर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सफरिंग्स। जो उस वक्त घटित हुआ, जो कम्युनिटी के आधार पर या रिलीजन के आधार पर जो मार काट हुई, जो खून खराब हुआ, जो वायलेंस हुआ, उससे जो उसको पीड़ा झेलनी पड़ी, जो उसके ऊपर बीती, भी कोई भी इंसान होगा, उसके सामने कुछ गलत हो रहा है, उसके सामने किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, किसी को उठा करके जलाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी के घर छीने जा रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह लात घूसे बज रहे हैं, तो यार आदमी हिल जाता है। उसको विश्वास नहीं होता कि यार हम आदमी हैं क्या, इंसान है क्या। इंसानियत जब जब एक आदमी के सामने इंसानियत को नंगा किया जाता है, इंसानियत के कपड़े उतारे जाते हैं, तब इंसान इंसानियत पर कैसे विश्वास करे, ये समझ में नहीं आता, है ना। तो सिचुएशन थी, उसके सामने इंसानियत को बेइज्जत किया जा रहा था, जलील किया जा रहा था, उसको नग्न किया जा रहा था। तो जब इससे पीड़ा होगी, क्योंकि हमारी जो फोर्स है, हमारी जो ताकत है, वो इंसानियत है, ह्यूमनिटी है, और जब ह्यूमनिटी को बेइज्जत किया जा रहा हो, तो जीवन पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जीवन क्यों जिए अब, जब इंसान के अंदर इंसानियत ना बचे, इंसान के सामने इंसानियत का चीरहरण हो, तो फिर जिए क्यों? क्योंकि वो चीरहरण हमारा भी होना है, सीधी सी बात है। तो ये अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक सिचुएशन थी जिसका सामना उन्होंने बाई फेस किया था। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट नोटिस दैट अमृता प्रीतम डिड नॉट ऑफर मच स्पेस, रेदर इग्नोर्ड द डिटेल्स ऑफ हर मैरिटल लाइफ एंड रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड। उनकी शादी हुई, उनके शादीशुदा जीवन में और रिलेशनशिप जो उनके हस्बैंड के साथ थी, उनको इग्नोर करना पड़ा क्योंकि वो डिस्टर्ब रहती थी। हर साइलेंस अबाउट हर हस्बैंड एंड इन लॉज इन ऑटोबायोग्राफी कैरीज अ डबल सेंस ऑफ हर एक्सपीरियंस शी हैड इन मैरिज। उनकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर जो वो अपने मैरिटल एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं, और वो जो सन्नाटा, वो जो मौन रहती है उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रही किसी भी चीज़ में, तो वो डबल मीनिंग शो करता है। डबल मीनिंग का एक तो ये कि वो सोसाइटी की तरफ से या लाइफ की तरफ से कहीं ना कहीं वो सदमे में है ना, और दूसरा मतलब ये होता है कि ये सदमा उसको सोसाइटी ने दिया है, तो उससे कोप आउ कोप अप कैसे करे, बाहर कैसे निकल करके आए। सी क्रिएट्स एन इम्प्रेशन दैट सी हेट्स हिम इनफ नॉट टू मेंशन इवन हिज नेम इन हर लाइफ स्टोरी। खतरनाक स्थिति यहाँ तक आ गई, स्थिति यहाँ तक आ गई कि वो उस मैरिटल लाइफ का जिक्र और उस व्यक्ति का जिक्र अपनी लाइफ में करना ही नहीं चाहते। द रीजन्स वाई सी हैड टू मैरी सिम्स टू बी रूटेड इन सोशियो फैमिलियन कंपल्जन एज सी स्टेट्स आई हैड टू रिपे डेब्ट टू सोसाइटी बट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ आई श्योरली फील द वे ऑफ दैट डाउट। उसने सीधा सीधा बोला है कि मैं इस समाज में रही तो इस समाज का मेरे ऊपर कर्जा है, और इस समाज ने मुझे जलील करके, बेइज्जत करके मेरी फ्रीडम को, मेरे रेस्पेक्ट को छीन करके वापस ले लिया है। जिस समाज में हम रह रहे हो और वो समाज हमको इज्जत ना दे पा रहा हो, जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज हमें अपॉर्चुनिटी ना दे पा रहा हो, हमको कुचल रहा हो, हमें सपोर्ट न कर करके हमारे साथ बिना बात की दुश्मनी निभा रहा हो, तो लगता है कि समाज ने आज तक हमको जो दिया वो वापस लेना चाहता है। डेब्ट उसका कर्जा था, वो चुक गया। आई श्योरली फील, मैं निश्चित ही महसूस करती हूँ द वे ऑफ दैट डाउट। वो जो डाउट था, वो जो क्वेश्चन था, उसका वजन आज भी मेरे कंधों पर मैं महसूस करती हूँ। सी कम्युनिकेट्स दैट मैरिज वॉज अ सोशल बॉन्डेज फोर्स अपॉन ऑल वुमेन ऑफ
हार्ड टाइम्स, उस टाइम पे जो औरतों की शादीशुदा जिंदगी थी वो एक बाउंडेशन थी, वो एक बंधन था, वो एक कैद थी। द रीजन्स वाई सी गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, इसी वजह से उसको अपने हस्बैंड से अलग होना पड़ा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सी बी रूटेड इन पर्सनल साइकोलॉजिकल कंपल्जन्स। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी परमानेंटली चाहता है, हमेशा चाहता है। किसी से किसी की शादी होगी, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो शादी एक दिन ख़त्म हो जाए, है ना। ये ऐसे डिसीजन है, तो दिमाग पर स्ट्रेस तो बनता है। शी डज नॉट इवन मेंशन अबाउट हर चिल्ड्रन, दियर बर्थ, चाइल्डहुड, ग्रोथ, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों का भी जिक्र नहीं करती हैं। फॉर ए क्रिएटिव राइटर, अमृता प्रीतम सीम्स टू यूज हर ऑटोबायोग्राफी एज अ वे टू सेल्फ एक्सेप्टेंस देन सेल्फ अप्रेजल। तो सीधी सी बात करती हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर कि मुझे अपने आप को स्वीकार करना है। सीधी सी बात है, मेरी कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन मुझे क्या कह रहा है, कौन मुझे किस रूप में देख रहा है और कितना बढ़ा चढ़ा करके मुझे प्रेजेंट कर रहा है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि मैं अपने आप को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। यदि डाइवोर्स लेने से मुझे अपने साथ कंफर्टेबल फील होता है तो मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। शादी करने से मुझे अपने साथ कंफर्टेबल फील होता है, आई डोंट मैटर कि सामने वाले को कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने वाले को यदि मेरे साथ कंफर्ट फील हो रहा होगा तभी वो मेरे पास आएगा। सीधी सी बात है, यदि उसको मेरे साथ कंफर्ट फील नहीं होता तो भी ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अपने आप को सेंटर में रखना है, वेयर आई फील माई सेल्फ हैप्पी। मैं किस काम को करके, क्या करके अपने आप को हैप्पी फील करता हूँ या करती हूँ, मुझे इस बात का ध्यान रखना है। सोसाइटी उस बारे में क्या कहती है, अच्छा बुरा एक्स वाई जेड, वो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, उसको सोसाइटी को हैंडल करने दो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि वेयर आई फील माई सेल्फ हैप्पी, मुझे अपने आप को कहाँ बेहतर फील होता है, मुझे वो करना है। सोसाइटी उसके बारे में क्या ओपिनियन रखती है, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, वो रख सकती है, अच्छे रखे बुरी रखे, आई डोंट नो। इट इज़ द रियलिटी, ये सच बात है, दैट द ऑथर सीक्स एंड फाइंड एफर्टलेसली विद इन द प्राइवेट सेल्फ। और ये बात भी सच है कि कोई भी राइटर या पोएट होता है उसका अपना एक सेल्फ भी होता है, अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है जिसको हमेशा उसको बचा करके रखना चाहिए। अमृता प्रीतम्स ऑटोबायोग्राफी द रिवेन्यू स्टैम्प इज द जर्नी ऑफ हर माइंड इन टू द वर्ल्ड ऑफ प्राइवेट सेल्फ, वेयर सी कम्बाइंस हर प्रेजेंट इंसाइट्स विद द विजन ऑफ पास्ट। यहाँ पे सीधे सीधी सी बात कही गई है कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है द रिवेन्यू स्टैम्प, इसमें उन्होंने अपने सेल्फ के बारे में, अपने इनर सेल्फ के बारे में, अपनी अपने इमोशंस, अपने थॉट्स के बारे में बताया है, अपने विजन के बारे में बताया है। इट इज़ इन हर मिड 40s, ये 40 की उम्र के आसपास की बात है, 40 मतलब 35-36 है ना, इस टाइम मिड 40 बोला है तो 35 के आसपास मान लो। एंड आफ्टर वर्ड्स दैट अमृता प्रीतम हैड ए प्रोफाउंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेंस ऑफ हारमोनी एंड फुलफिलमेंट। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आत्मिक, आत्मिक का मतलब होता है सेल्फ। तो वो अपने आप में क्या ही प्रोफाउंड, हारमोनी एंड फुलफिलमेंट, प्रोफाउंड का मतलब होता है कम्प्लीटली, हारमोनी एंड फुलफिलमेंट मतलब देखो सीधी सी बात है, आप मंदिर में जाते हो, जाओ यदि आपको अच्छा लगता है तो, आप मंदिर में नहीं जाते हैं तो मत जाओ यदि आपको अच्छा लगता है तो। यदि मंदिर में जाने से आपको फील होता है कि इट इज़ जस्ट शो ऑफ, आपको लगता है कि मंदिर में जाने से कुछ नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, या जिन देवी देवताओं से आप बात कर रहे हैं वहाँ पे उनकी प्रेयर कर रहे हैं और प्रेयर करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्ड हो ही नहीं रहा है, तो आपको यदि अपने ही काम में करने से आपको ही इरिटेशन होना शुरू हो जाए तो उस काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो और आपको उस काम को करने से ईमानदारी से, दिल से, सॉल्व करने की बात नहीं है, ये ज़िंदगी और बेवकूफ़ी के बीच का मामला है। यदि आप किसी काम को करने के बाद आपको सुकून मिलता है, आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई
आप बोल सकते हैं किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं होता है, तो आप सही हो। लेकिन यदि किसी काम को करने के बाद आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आप सिर्फ इस वजह से कर रहे हो क्योंकि दूसरे भी कर रहे हैं, तब बेवकूफ़ हो। सीधी सी बात है, 1-to-1। यदि किसी काम को करने से आपको समझ में आता है कि हाँ इस काम को करने से कुछ तो होता है, तो करो। लेकिन यदि किसी काम को करने से आपको ये भी लगता है कि इस काम को करने से हो भी कुछ नहीं रहा, पर कर रहे हैं क्योंकि दूसरे भी कर रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, तो फिर आप बेवकूफ़ हो। आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, आप एक कार्टून हो, आप एक जोकर हो, आप एक रोबोट हो, आप एक डोगी हो। जैसे डोगी का एग्जिस्टेंस कब है? जब वो सड़कों पर अपने जीवन में अपनी मस्ती से अपने जीवन को जिए, लेकिन जब गले में पट्टा आ गया या कोई कुत्ता भों भों सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मालिक ने बोला है, तो फिर उसकी उस बहादुरी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि कोई कुत्ता भों भों तब भी करता है जब उसका मन करता है, तो फिर उसको करना चाहिए। इट गिव्स हिम रिलैक्सेशन, ये उसको सुकून देता है, बिकॉज इट इज़ कमिंग नेचुरली फ्रॉम हिमसेल्फ। ये उसके अंदर से अपने आप आ रहा है, और जो चीज़ अपने आप अंदर से आती है वो आदमी को सेटिस्फेक्शन देती है, जो चीज़ बाय फोर्स आती है वो आदमी को डिप्रेशन या स्ट्रेस देती है। तो इसको थोड़ा साइकोलॉजी को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है साहब। हार्मनी एंड फुलफिलमेंट, तो उसको सुकून मिल रहा है, वो जो कर रही है उसमें मस्त है, किसी को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वो भी ठीक ही है। चलिए, इन हर लाइफ, उसके जीवन में विद इमरोज, जब इमरोज का जिक्र आता है, इमरोज एक्सेप्टेड हर, इमरोज उसको स्वीकार करता है विद ऑल ड्रीम्स, सारे सपनों को लेकर के। ये बहुत गजब का व्यक्ति है। किसी को उसके जैसे एक्सेप्ट करना, ये बहुत हिम्मत की बात है। हम किसी को एक्सेप्ट इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करता हो। मैं किसी को लाइक क्यों करूँगा? क्योंकि वो मेरी किसी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है, मैं उससे कुछ चाहता हूँ और उससे वो मिल सकता है, इसलिए मैं उसको लाइक नेचुरली करूँगा क्योंकि मेरा काम बन रहा है वहाँ पे। लेकिन दूसरी सिचुएशन भी है, एक आदमी जैसा भी है, मुझे उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, डजेंट मैटर। मैटर ये है कि वो आदमी जैसा भी है वो ओरिजिनल है, और मैं जैसा भी हूँ मैं ओरिजिनल हूँ। तो वो मेरी ओरिजिनलिटी को स्वीकार करे, मैं उसकी ओरिजिनलिटी को स्वीकार करूँ, और दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को, एक दूसरे की ओरिजिनलिटी को, एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को स्वीकार करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको रेस्पेक्ट दें, उसको स्पेस दें, है ना। तो ये एक रिश्ता, ऐसा रिश्ता होगा जिसमें घुटन नहीं होगी, खुलापन होगा। और रिश्ता तो है ही है, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते, आप किसी से ये नहीं कहते कि आप ऐसा करो तो मुझे उनको स्वीकार करने में ज़्यादा बढ़िया लगेगा। हाँ, आप जनरल ओपिनियन रख सकते हैं लेकिन फोर्स नहीं कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझिएगा। ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन तो कोई भी रख सकता है ना, ओपिनियन रखना तो हमारा एक्सप्रेशन ऑफ माई थॉट है, एक्सप्रेशन ऑफ माई इमोशन है। मैं अपनी बात को किसी के सामने रख रहा हूँ तो इट इज़ गुड, मेरे दिमाग में कोई बात आ रही है मैं उसको रख ही नहीं रहा हूँ तो इट इज़ वेरी बैड, है ना। लेकिन वो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इट इज़ दैट वन डिसीजन, ये उसका डिसीजन है। और यदि वो डिसीजन एक्स लेता है तो भी ठीक है, वाई लेता है तो भी ठीक है, और इग्नोर करता है तो भी ठीक है, सीधी सी बात है। सो आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशन व्हाट द अदर डजेंट हैव। मैं किसी से वो एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखूँगा जो वो खुद नहीं रखना चाहता। तो इट इज़ ए फ्री स्पेस, ये बिल्कुल एक खुला आसमान है, यहाँ पे सब जी सकते हैं और अपने मौज में, अपने अंदाज में, अपनी मस्ती में जी सकते हैं। यही तो साधु होते हैं, यही संत होते हैं, यही ज्ञानी लोग होते हैं, यही फिलोसफर होते हैं, ये अपनी मौज में मस्त रहते हैं, अपने दुनिया को खुद बनाते हैं और खुद उसमें सहनसा रहते हैं, अपनी मौज में मस्त रहते हैं। तो वी कैन क्रिएट अ वेरी, आई कैन से वेरी पॉजिटिव वर्ल्ड, बहुत ही खूबसूरत दुनिया हम क्रिएट कर सकते हैं यदि हम एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को फ्रीडम दें, एक दूसरे को चांस दें, है ना। थोपा थोपी वाली बात खत्म कर दें, क्योंकि थोपा थोपी में होता कुछ नहीं है। तुम मेरे गाल पे तमाचा मारोगे,
मैं घुमा करके तुम्हारे पर मारूंगा, तुम छुपा करके मेरे पर मारोगे, इतनी सी बात है, इससे कुछ होता नहीं है। तो मुझे कंफ्यूज करके रखोगे, मैं तुम्हें कंफ्यूज करके रखूंगा, जिंदगी बर्बाद है। इसके बेहतर ये है कि जो मेरे दिमाग में है उसको मैं जीऊँ, जो तुम्हारे दिमाग में है उसको तुम जियो। और जीवन है, जीवन के कुछ सिद्धांत होते हैं, तुम गलत करोगे तो रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा, तुम अच्छा करोगे तो भी रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी को बड़े बड़े भाषण देंगे तभी उसका काम या उसका जीवन ठीक चलेगा। जीवन ठीक चलेगा या नहीं चलेगा ये जीवन खुद भी समझा देता है। जीवन अपने आप में कंप्लीट कंप्लीटनेस है, जीवन अपने आप में सब कुछ है, ये आपको जीत हार समझ ना समझ सब बना देता है। ठीक है, चलो। ही ट्राइज टू ब्रिंग हर प्राइवेट सेल्फ टू परफेक्शन। इमरोज की खास बात यह है कि वो उसको उसका जैसे बनने के लिए मोटिवेट करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो सबसे बेस्ट बन सकते हो तुम वो बनो। मैं तुम में क्या देखना चाहता हूँ? मैं तुम में सिर्फ वो देखना चाहता हूँ जो तुम हो, यू एंड ओनली यू। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड यू। मैं तुमसे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारी ओरिजिनलिटी इज माई एक्सपेक्टेशन। तुम्हारी ओरिजिनलिटी ही मेरा सपना है, तुम्हारी ओरिजिनलिटी ही मेरा तुम्हारे साथ होना है। तुम्हारी ओरिजिनलिटी इज द रीजन टू बी विथ यू। तुम ओरिजिनल हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम दोगले हो जाओगे, फ्रॉड हो जाओगे, तो मेरा तुम्हारे साथ होने में कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इमरोज ने मैडम को, इनको, अमृता प्रीतम को मोटिवेट किया, सपोर्ट किया वो बनने के लिए जो अभी तक वो बनने से बची हुई थी। कुछ तो बन गई थी, कुछ तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाई थी, एक्सप्रेस कर पाई थी, लेकिन जिंदगी जो है ना अनंत है, इन्फिनिटी है। यहाँ पर हर क्षण आप कुछ ना कुछ होते रहते हैं, बनते रहते हैं, करते रहते हैं। तो जो बचा था उसी को आगे बढ़ाना था और इमरोज ने उसको सपोर्ट किया। ठीक है, सीनरिट्स वो कहती है विद इमरोज, इमरोज के साथ आई हैव नो रिग्रेट्स, पछतावा नहीं है मुझे किसी बात का, हो भी नहीं सकता, सीधी सी बात है। अबाउट द पाथ चूजन बाई अस, जो रास्ता हमारे द्वारा चुना गया। इमरोज पर्सनैलिटी इज लाइक द फ्लो ऑफ रिवर, इमरोज का व्यक्तित्व ऐसा है जैसे नदी का बहाव। ये एक ठहरा हुआ तालाब नहीं है, इसके कोई दायरे नहीं है, नदी का कोई दायरा नहीं होता, वो चलती है अपनी मौज में और कहाँ तक जाएगी खुद नदी को भी नहीं पता, वो अपने अंदाज में बहती रहती है, उसका अंदाज ही है कि वो बहती रहेगी, सीधी सी बात है। अनकंट्रोल्ड बाय रॉक्स, एक ऐसी नदी जिसको ना तो कोई, अनकंट्रोल्ड बाय लोक्स एंड स्लाइसेस, एक ऐसी नदी जिसको कोई किनारा नहीं रोक सकता। इमरोज वुड इम्पेचुअसली डाइवर्ट हिज करेज, और इमरोज जो है वो उसके करेज को डाइवर्ट करता रहता है। डाइवर्ट का मतलब होता है जैसा माहौल बना, जैसी दिशा बनी उसी तरफ बहता रहता है। नदी की कोई दिशा नहीं होती, नदी जैसा माहौल होता है, जैसी सिचुएशन होती है, उसी हिसाब से अपना मूड बना लेती है, अपनी दिशा बना लेती है। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा वर्तमान के हिसाब से रिएक्ट करता हो, ही इज़ ए परफेक्ट वन। इससे खूबसूरत आदमी आपको नहीं मिल सकता। कृष्ण इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है। युद्ध के मैदान में खड़ा होकर के वो कह रहा है कि जो चाचा मामा गुरु, जब तक गुरु चाचा मामा थे तब तक उनके साथ वैसा बिहेव करो जैसे कि होना चाहिए, लेकिन अभी युद्ध के मैदान में खड़े हो तो वैसा बिहेव करो जैसा एक योद्धा को होना चाहिए। डिसाइड योर एक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट के हिसाब से अपने डिसीजन को लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलिए,
द विजन ऑफ सेल्फ डज रिफ्लेक्ट हर आइसोलेशन इन्वॉल्वमेंट एंड आइडेंटिटी. इस पूरे विजन की थॉट ये थी कि इसमें आपका जो अकेलापन है, आपका जो अटैचमेंट है, आपकी जो पहचान है, वो रिफ्लेक्ट होती रहे, एक्सप्रेस होती रहे. लाइफ इज ए स्ट्रेंज बुक, जिंदगी एक अजीब सी किताब है, कंस्ट्रक्टेड बाई लेटर्स एंड साउंड्स, जिसमें आपको कुछ शब्द और कुछ आवाज़ें दिखाई पड़ती हैं, महसूस होती हैं, कंबाइंस एंड वन सेकेंड एंड ब्रेक द टू स्केटर अवे द चेंज. कंबाइंस एंड ब्रेक, जो जुड़ती रहती है, टूटती रहती है, टू स्केटर अवे द चेंज, और जो चेंज है, जो परिवर्तन है, इसको बिखेरते रहने के लिए. द रिवेन्यू स्टैम्प प्रेजेंट्स अमृता प्रीतम्स विजन ऑफ वुमेनहुड. इसमें अमृता प्रीतम का जो एक औरतत्व है, जो एक फीमेल एग्जिस्टेंस है, जो एक फीमेल पहचान है, जो एक नारीत्व है, जिसको आप नारीत्व बोलेंगे, वो देखने को मिलता है. हर माइंड वाज कम्युनिकेटिव, उसका जो माइंड था हमेशा कम्युनिकेटिव. कम्युनिकेटिव का मतलब होता है अपने आप से बातचीत करना, अपने आप से ही कन्वर्सेशन करना. इन इट्स परसेप्शंस, अपने परसेप्शंस को लेकर के, एंड सी वुड विजुलाइज द मेल माइंड थ्रू हर कैरेक्टर्स. वो अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से मेल, मतलब सीधी सी बात है, कोई भी राइटर होता है वो अपने कैरेक्टर के माध्यम से अपनी थॉट बताते हैं, तो वो मेल की थॉट क्या है वो अपने कैरेक्टर से ही बताएगी. एंड कुड ऑल्सो सिंपेथाइज विद दियर एगोनीज, और जो उनके दुख है, दर्द है, उनके प्रति सिंपेथाइज भी करेगी. सी नेवर डिनाइज द हार्श जेंडर ओरिएंटेशन, वो कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करती, मना नहीं करती. हार्श जेंडर ओरिएंटेशन, जेंडर ओरिएंटेशन का मतलब होगा मेल मतलब समथिंग ज़्यादा, फीमेल मतलब कुछ कम. तो ये जो जेंडर बायस्ड बिहेवियर है ना, ये नहीं, वो इसको मना करती है, इक्वलिटी होनी चाहिए. अफेक्टिंग ए वुमेन वर्ल्ड, क्योंकि ये औरतों की जो दुनिया है इसको नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है. द रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर experiences and that of gender roles was felt by her in an artist more profoundly than any common being. She has been too sensitive to adopt the posture of a radical feminist. She has been too sensitive, वो बहुत ज़्यादा sensitive थी, to adopt the posture of radical feminist. Radical feminist का मतलब होता है एक ऐसी औरत जो अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. सीधी सी बात है, मतलब मान लो कि मैं मेल हूँ, मैं पुरुष हूँ, और मेरी पत्नी मुझसे कुछ चाहती है, कुछ चाहने का मतलब प्रॉपर्टी चाहती है, या बढ़ना चाहती है, जॉब करना चाहती है, मतलब अपने लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करने के लिए चाहती है मुझसे, और मैं उसके सामने बैरियर बन के खड़ा हो जाता हूँ, नहीं भाई लोग क्या कहेंगे, मैं मेरी कमाई तुम्हें कम लग रही है क्या, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, मैं उसको रोकना चाहता हूँ. और वो क्या करेगी, दो तरीके होंगे, या तो वो अपने अधिकारों के लिए मुझसे लड़े, मुझको समझाए कि देखो ऐसा चलेगा नहीं, या फिर वो ऐसा है कि अपने अंदर सारी चीज़ों को रोक करके और घुटन सारा डब्बा बंद कर दे, घुट घुट करके, दब दब करके अपने जीवन को वहीं पर ब्लॉक कर दे और ख़त्म कर दे, है ना, वही रोटी कपड़ा मकान बच्चे और जीवन खत्म. या फिर ये क्या करेगी, या तो मैं इसकी बात को मानूं कि मैं इसको क्यों रोक रहा हूँ, जब ये कुछ करना चाहती है, इसके अंदर कैपेसिटी है, तो इसको चांस मिलना चाहिए, या तो मैं इस बात को समझूं. और यदि मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ, तो वो जिस हद तक भी जा करके, जिस हद तक का मतलब होता है डाइवोर्स दे करके, या और जो भी तरीका उसको सूझता है, बेस्ट, जो भी उसको बेस्ट सूझता है, उस ऑप्शन को चूज के, चाहे वो मेरे साथ रह करके आगे बढ़े, चाहे मुझे छोड़ करके आगे बढ़े, चाहे किसी को और को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, या उसे भी छोड़ करके आगे बढ़े, सोसाइटी उसको क्या बोलेगी, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम है. उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसे अपने जीवन में कुछ करना है, और जो लोग उसके साथ दगा करेंगे, उसके प्रति गलत सोच रखेंगे, वो उन सबको अपने रास्ते से हटाती रहेगी. और सीधी सी बात है, इसमें कोई बुरी बात है भी नहीं,
जब हमारे रास्ते में कांटे होते हैं तो हम कांटों को साइड में कर ही देते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही कट्टरपन से यदि हम सोचेंगे तो इसमें कुछ होना जाना है नहीं। सिंपल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, लाइफ जो होती है ना नदी की तरह होती है, और नदी के रास्ते में जो भी आता है उसको हटा करके आगे बढ़ जाती है। तो यदि मैं एक मेल हूँ और मेल होने के नाते मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, तो मेरे रास्ते में कोई भी आएगा मैं उसको साइड में करूँगा, तो फीमेल भी कर सकती है, सीधी सी बात है ना। चलो, सी सेम टू ऑफर सम फेमिनिस्ट implications in her philosophized observation of woman's identity and existence। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा इतना सा समझ लीजिए कि वो औरत के लिए बहुत कुछ सोचती हैं, सेंसिटिव हैं, और औरत को आगे बढ़ने के लिए वो पूरी तरह से मोटिवेट करती हैं। इट हैज़ बीन एन इंस्टिंक्चुअल कोलेबोरेशन ऑफ द क्रिएटिव आई विद द फेमिनाइन आई। मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक वो औरत है जो वो खुद है, एक वो औरत है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। हर आदमी के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो है, एक वो जो दुनिया को दिखाता है, सोसाइटी को दिखाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, उसको अपने आई को, अपने आप को भी बचा करके रखना है, प्लस जो सोसाइटी में है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, है ना। उसकी अपनी, अपने आप में उसके क्या थॉट है और सोसाइटी में उसके क्या प्रोजेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, दोनों को ठीक होना चाहिए। द रिवेन्यू स्टैम्प इज द रिकॉर्ड ऑफ हर क्रिएटिविटी एंड पोएटिक कैरियर मोर देन ऑफ बायोग्राफिकल एंड फिजिकल लाइफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो रिवेन्यू स्टैम्प बेसिकली क्रिएटिविटी और पोएटिक कैरियर से संबंधित, मैं इसको यहाँ पर लेबल नहीं करना चाहूँगा, मैं इसको बताना चाहूँगा कि जो रिवेन्यू स्टैम्प है वो बेसिकली वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, अपने ऐसे समाज में जिसने उसको दबाने की या कुचलने की पूरी तैयारी की जाती है, उस समाज के खिलाफ खड़ा होने के लिए, विद्रोह करने के लिए तैयार करने की पूरी स्क्रिप्ट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अमृता प्रीतम्स ऑटोबायोग्राफी इज सैडेड बाई हर रोमांटिक आइडियलिज्म। इसमें आपको रोमांटिक आइडियलिज्म क्या होता है, कपल है, एक मेल है और एक फीमेल है, वे एक दूसरे को परफेक्शन में देखते हैं। परफेक्शन का मतलब होगा कि एक लड़की को एक लड़का ऐसा चाहिए जो बेस्ट हो, उसकी हैबिट, उसका लाइफ स्टाइल, उसकी थॉट। एक लड़की को एक लड़का चाहिए बेस्ट, और एक लड़की को लड़का, लड़के को लड़की, वो भी बेस्ट चाहिए। मैनर, रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें ठीक होने चाहिए, है ना। लेकिन रियलिटी में ये मिलते नहीं है, सीधी सी बात है भाई। आदमी में परफेक्शन का मतलब होता है भगवान होना, और आदमी यदि भगवान बन जाता है तो वो संत बन जाता है, सीधी सी बात है, वो बुद्ध बन जाएगा, वो महावीर बन जाएगा, इससे नीचे वो गलतियाँ करेगा, उसमें परफेक्शन का कोई चांस नहीं है। परफेक्शन का मतलब होता है अलग जोन में पहुंच जाना, ठीक है। तो आदमी के बात की हद की बात नहीं है, आदमी गलती करेगा, सीधी सी बात है। तो रोमांटिक आइडियलिज्म रियल में तो नहीं होता, ख्यालों में हो सकता है, ये हो सकता है ना। विच इज़ सेल्फ इमेजिंड इन द वर्ल्ड ऑफ सेल्फ सी फॉरगेट्स द एक्सटर्नल ड्यूटी ऑफ लाइफ एस्केप्स। जीवन में जो चल रहा है उनको बहुत ज़्यादा कंसाइडर नहीं करती है। Visions that inspire her creativity, her autobiography reveals her courage of consideration and psychological insight, yet believes in the intuitive knowledge of prophetic gesture and sensitive dreams. Self-preferentiality become an important part of this autobiography. So basically, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस biography के अंदर अमृता प्रीतम का कंसिडरेशन मतलब थॉट्स, उसके साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक समझ क्या है वो देखने को मिलती है, इंट्यूटिव नॉलेज, उसकी जीवन को लेकर के समझ बनी, क्या परख बनी, ये आप देखने को मिल सकते हैं। ड्रीम्स देखने को मिल सकते हैं। सेल्फ प्रेफरेंशियलिटी का मतलब होता है अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना सोसाइटी को,
अपने कंपैरिजन में कम इम्पोर्टेंस देना। मतलब ये नहीं कि सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देंगे लेकिन अपने से ज़्यादा नहीं देंगे। आई एम मोर देन द सोसाइटी, इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश होना है। सेल्फिश होना इज डिफरेंट थिंग। सेल्फिश होने का मतलब होता है दुनिया को निचोड़ लेना। मैं दुनिया को निचोड़ना नहीं चाहता लेकिन दुनिया मुझे निचोड़ ले, ये भी मैं नहीं चाहता। सीधा सा मतलब बहुत ही क्लियर फंडा है। दुनिया को मैं कुछ देना चाहता हूँ, एक अप्रोच। दुनिया मुझसे कुछ लेना चाहती है, दूसरी अप्रोच। पर ना ही तो मैं दुनिया को निचोड़ना चाहता अपने स्वार्थ के लिए, और ना ही मैं अपने आप को निचोड़ने दूंगा दुनिया के स्वार्थ के लिए। मेरा यार अपना वजूद है, मैं सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इसको मैं ही तय करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। सोसाइटी तो कम से कम तय ना करे, मेरी डिसीजन भी दी सोसाइटी ले रही है तो फिर मैं क्या हूँ? थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑटोबायोग्राफी। द ऑटोबायोग्राफर रेफर्स टू हरसेल्फ मॉडेस्टली, कॉन्फिडेंटली, अपोलोजेटिकली, बोल्डली, प्राउडली, फीलिंगली, है ना। हर लैंग्वेज इज बहुत एक्सप्रेसिव एंड इम्प्रेसिव। उसकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, एक्सप्रेशन अच्छा है, इम्प्रेशन भी डालती हैं। बायोग्राफर में यहाँ पर वो उसकी मॉडेस्टी को, मॉडेस्टी का मतलब होता है उसकी मर्यादा, उसको शो करती है, कॉन्फिडेंस को शो करती है। एपोलॉजिकलिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ को लेकर के उसको पछतावा हो रहा है उसको शो करती है। बोल्डली उसकी बहादुरी को, उसके प्राउड, गौरव, आत्मसम्मान, उसकी फीलिंग्स को, यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्रेस किया गया है। सी राइट्स इन हर सेल्फ वेस्टर्न स्टाइल विद पावरफुल स्कोलिस्टिक रेफरेंसेस, रिक्यूरिंग ऑफ फ्लो ऑफ हर थिंकिंग। द अकाउंट ऑफ इज अ फाइन कोलेब्रेशन ऑफ पोएट्रिक एक्सप्रेशन दैट रोमेंटिसाइज एंड फिलोसोफाइज। मतलब बस इतना ही है, ठीक है। मतलब इसका सिंपल इतना है कि वो अपने आप को ही एक्सप्रेस करना चाहती है, अपनी फिलोसफी, अपनी थॉट, अपनी चीज़ों को वो सोसाइटी को देना चाहती है, और अपनी थॉट, अपनी फिलोसफी, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहती है। उसी के हिसाब से वो सोसाइटी में जो वो कंट्रीब्यूट कर सकती है वो कंट्रीब्यूट करती है, कर रही है, करती रहेगी जब तक कि उसमें पोटेंशियलिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लेक्चर या क्लास काफ़ी लंबी सी हो गई है लेकिन जस्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मैं इसको जल्दी जल्दी में करता तो मुझे खुद मज़ा नहीं आता, है ना। वही चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, जिस चीज़ में आपको मज़ा आए वो करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर दो भाई, है ना। अच्छा लगता है, मेक मी फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। मेरी खुशी के लिए इतना सा काम कर दो जो फ्री में है। टेक केयर, लव यू ऑल।